प्रियंका चहर चौधरी को अच्छे से आता है कि अपनी बात को स्पष्ट तरीके से, क्लियर तरीके से कैसे सामने वाले के सामने रखना है। चलिए मैं आपको बताती हूं कि इस वक्त जो लोग प्रियंका से नफरत कर रहे थे, जो प्रियंका के हेटर्स थे, अब वो भी उनके सपोर्ट में आ गए हैं। कैसे? वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज। मैं हूं ज्योति नाहक। प्रियंका चहर चौधरी इस वक्त घर की सबसे फियर्स, सबसे क्लियर, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट है। उनके मुकाबले में घर के अंदर सिर्फ शिव ठाकरे हैं और कोई नहीं। लेकिन इस वक्त मैं आपको बता दूं कि शिव के जीतने के चांसेस काफी कम है। ये बात जितना जल्दी आप समझ जाए उतना बेहतर है, क्योंकि शिव ऑलरेडी मराठी सीजन के विनर रह चुके हैं। ऐसे में बिग बॉस कोशिश पूरी यही करेंगे, अंटिल अनलेस बिल्कुल ही ज्यादा ऑब्वियस ना हो जाए, बट कोशिश बिग बॉस की यही रहेगी कि शिव को ना जिताकर किसी और को जिताया जाए। अब इस वक्त मैं आपको बताने आ गई हूं कि कैसे प्रियंका को नफरत करने वाले, प्रियंका से नफरत करने वाले भी अब उनके प्यार में पड़ते चले जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर फैंस ने तो सपोर्ट जारी किया ही है, लेकिन प्रियंका हेटर्स, यानी कि जो अब तक सौंदर्य के फैन क्लब्स वाले थे, जो क्योंकि सौंदर्य भी पहले प्रियंका के खिलाफ ही थी, लेकिन अभी उनकी दोस्ती हो गई है थोड़ी, गौतम भी बीच में प्रियंका के खिलाफ थे, सो जो लोग प्रियंका को नफरत कर रहे थे अब उन्होंने भी उनको सपोर्ट किया है। हाल ही में प्रियंका ने स्टैंड लिया गौतम और सौंदर्य का, चलिए आपको दिखाते हैं अगर आपको याद नहीं तो। इनका प्यार सच्चा है, सच्चा है, झूठा है ना मैं बता सकती हूँ ना तू बता सकती हूँ, ज़्यादा दावे मत लगा। जनता ही बता रही है। इनका प्यार सच्चा है या झूठा है ना मैं बता सकती हूँ ना तू बता सकती है, जिसका प्यार है वही बता सकता है। देखो ये बात तो मैं भी मानती हूँ कि किसी भी तेजस्वी ने भी यही कहा था, किसी रिलेशनशिप पर आप कभी भी टैग या कोई कमेंट नहीं कर सकते। हर रिलेशनशिप अब उनका खुद का होता है, उन्हें उस रिलेशनशिप में क्या मंजूर क्या ना मंजूर है वो वही दो लोग डिसाइड कर सकते हैं और बाहर वाला कोई नहीं। इसी के साथ साथ कई ऐसे वीडियोस ये सेम चीज के कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं। हर कोई कहता है शी इज बोल्ड, शी इज ब्यूटिफुल, शी इज फियर्स, शी इज फियरलेस, शी इज रियल, शी इज जेन्युइन, शी इज लॉयल एंड अ ट्रू फ्रेंड। जी हाँ, आगे वो कहती हैं शी इज वोकल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये फैंस कह रहे हैं बेसिकली, और हर कोई कह रहा है कि प्रियंका, चाहे वो चारू जैन हो जो कि खुद एक नोन फेस है, या फिर वो गौतम के फैन क्लब्स हो, या फिर वो सौंदर्य के फैन क्लब्स हो, इस वक्त मैं जितना भी देख पा रही हूँ हर कोई यही कह रहा है कि प्रियंका इज द क्वीन। प्रियंका सही चीज के लिए एकदम क्लियर तरीके से अपनी बात को रख देती हैं, बात खत्म। तो यहाँ पर इंटरनेट हमें धोखा दे चुका है, लेकिन मैं आपको ये बात जरूर बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से शालीन वाले मुद्दे पर भी प्रियंका ने एक टूक अपनी बात रख दी, शालीन को क्लियरली कह दिया कि मैंने आपका कोई मजाक नहीं बनाया, आपकी मर्जी, आपको लेना है चिकन आप लीजिए, नहीं लेना मत लीजिए, मेरी बला से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैं तो अंडे खाती भी नहीं हूं, जिस तरीके से प्रियंका ने बोला, कहने का मतलब यह है कि प्रियंका की तारीफ हर जगह इसीलिए हो रही है क्योंकि प्रियंका अपनी बात पर टिकी रहती हैं और वो हर बात जो उन्हें सही लगती है वो उस चीज का स्टैंड लेती हैं और सही तरीके से लेती हैं। क्या कहेंगे इस बात पर? अब तो नफरत करने वाले भी प्रियंका से प्यार कर रहे हैं, बताइएगा।